नमस्कार दोस्तों, समय बदला, समय के साथ साथ सब कुछ बदला। जैसा कि एक ज़माना था कि फिल्म इंडस्ट्री केवल मनोरंजन का साधन, एक हमारा दूरदर्शन या सिनेमा हॉल हुआ करते थे, काफ़ी चलता रहा समय। एक समय दौर आया, सोशल मीडिया आई। सोशल मीडिया के आने से, प्लेटफार्म के आने से लोगों को अनेक अपने जो मन की उनकी इच्छाएँ थी, मनोरंजन के द्वारा जन जन तक पहुँचाने की जो इच्छाएँ थी, अनेक संसाधन, जैसे यूट्यूब हुआ और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, अनेक तरह के प्लेटफार्म, OTT प्लेटफार्म, जैसे जैसे प्लेटफार्म आते गए जिनके अंदर इच्छाएँ थी काम करने की, उनको भी मौका मिलना। इसी के साथ हम बैठे हैं एक ऐसी उभरती हुई कलाकार से जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम से अपना जीवन की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद उनकी एक मुलाकात होती है और वो देहात की जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में होती हैं उनमें काम करना शुरू करते हैं। इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं, इनका क्या नाम है और आज हमारे साथ एक सेट पर मुलाकात होती है। मैडम जी नमस्कार, फेस वार्ता चैनल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आपने इस इंडस्ट्री में आया, कैसे विचार बना, क्या करती हैं? सर मेरा नाम नेहा करदम है और मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ। इंटरव्यू में उन्होंने डांस भी करवाया मुझे, तो उन्हें मेरे डायलॉग और डांस अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पास कर दिया। आज आप एक मूवी में रोल कर रही हैं, क्या भूमिका है आपकी, दर्शकों के लिए बताइए। मेरी इस मूवी में माँ का किरदार निभा रही हूँ मैं। अच्छा जी, बात करते हैं, यदि आदमी, हर कोई व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बात बॉलीवुड की करना चाहते हैं या जिस तरह का दौर है आज, पब्लिक की जो डिमांड है फिल्म इंडस्ट्री में, यदि डिमांड की जाए, आप एक इस समय यहाँ एक माँ की भूमिका निभा रही हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाया जाता तो यहाँ बहुत एक्सपोज अपने आप को करना पड़ता है, एक्सपोज। इस तरह की यदि कोई स्क्रिप्ट आपके लिए लेकर कोई प्रोड्यूसर या कोई निर्माता निर्देशक आते हैं, तो क्या आप उस रोल को स्वीकार करेंगी या इग्नोर कर देंगी? नहीं, मैं स्वीकार करूँगी क्योंकि मेरे को शौक है इन चीज़ों के, इन चीज़ों का, और मैं अपना करियर भी बनाना चाहती हूँ इसमें, तो मैं तो हाँ कर दूँगी। एक्सपोज करने के लिए, मतलब एक सीमा होती है, जैसे कि बॉलीवुड में देखे होंगे कि आपका अच्छा हो जाता तो उस तरह आप बिल्कुल एक्सपोज करते कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपके लिए? नहीं सर, देखो ऐसा है कि देखो मैं फैमिली वाली हूँ, दो मेरे बेटे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। देखो ऐसा सीन तो मैं भी नहीं करूँगी कि जो मेरे बेटे ऑब्जेक्शन उठाए, मेरे हस्बैंड ऑब्जेक्शन उठाए। मैं हाँ ऐसा सीन कर दूँगी जैसा भी सीन होगा, पर थोड़ा ऐसा नहीं करूँगी मैं जो कि मेरे कैरेक्टर पे या मेरे हस्बैंड को कोई या मेरे बच्चों को कोई कहा कि तेरी तुम्हारे मतलब क्या कर रही है ये, मैं ऐसा सीन नहीं करूँगी। उदाहरण